बाजार बोलता है एफआईजे इसका डेटा पढ़ लेते हैं, महज औपचारिकता पूरी कर लेते हैं क्योंकि एफआईजे ने तो कल फिर माल बेचा और अच्छे से बेचा, डीआईज बल्कि अब उनकी रफ्तार धीमी हो गई है, तो इसीलिए मार्केट में प्रेशर भी देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि एफआईजे ने कल फिर 4,888 करोड़ रुपए का माल बेच दिया। डीआईज ने खरीदारी की, उनका मोमेंटम भी टूट नहीं रहा, खरीदारी कर रहे हैं लेकिन जो पेस है, जो उनकी पहले 4,000 करोड़ रुपए की बाइंग होती थी, 3,000 करोड़ की बाइंग होती थी, वो अब घट के 1,787 करोड़ पर आ गई है। जिस दिन डीआईज थोड़ा सा वीक रहते हैं उसी दिन मार्केट पूरी तरह से वीक हो जाता है। ग्लोबल इंडिसीज पर नज़र डाल लेते हैं, ये भी एक औपचारिकता क्योंकि यहाँ से कोई संकेत ले नहीं रहा है बाजार ज़्यादा। डाउ भले ही कल फ्लैट क्लोज हुआ, शंघाई में 0.5% की गिरावट है, हैंगसेंग में करीब 0.25% की गिरावट है, निकाई फ्लैट है, कोस्पी फ्लैट है और हम भी फ्लैट हैं, बट हम नेगेटिव में फ्लैट हैं, ज़्यादातर मार्केट नेगेटिव में है लेकिन ये कल पॉजिटिव में थे, हम तब भी नेगेटिव में थे, तो ये एक थोड़ा सा अंतर हो गया इस समय भारतीय बाजार वर्सेस ग्लोबल इंडिसीज में। एक बार देख लेते हैं कौन से शेयर हैं जो विद इन आवर मार्केट हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जीएसडब्ल्यू होल्डिंग करीब 8.5% ऊपर, एनआरबी बियरिंग 8%, आईटीआई करीब 7.5%, एवलॉन कल करीब 19% अप होने के बाद आज भी 6.5% अप है, अच्छे रिजल्ट्स का एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला काउंटर पर, और कार्ट्रेड यहां पर करीब 6% की तेजी बनी हुई है। साथ ही एक बार देख लेते हैं कि टॉप लूजर्स कौन से हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, उसमें जीएमएम फॉडलर करीब 6.5%, जी शिपिंग 6.5% गिरा हुआ है, बजाज इलेक्ट्रिकल 6%, आरवीएनएल आफ्टर रिजल्ट्स गिरा हुआ है करीब 5.5%, आईसीआईएल का भी करीब 5.5% गिरा हुआ है। तो ये कुछ एक काउंटर जो कि रिलेटिवली वीकनेस दिखा रहे हैं। आशीष सर, मैं मेन मुद्दे की तरफ लौटता हूँ, फेड की पॉलिसी इम्पॉर्टेंट होती है, हर बार होती है और इस बात तो ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद आ रही थी, तो किसी ने फेड चेयरमैन से पूछ भी लिया कि आपको अगर ट्रंप बोलेंगे कि हटाना है तो क्या आप हट जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं तो अपना कार्यकाल पूरा करूंगा 2026 तक, लेकिन कल उन्होंने पॉलिसी में 0.25% ब्याज दरों में कटौती कर दी है और लगातार दूसरी बार रेट कट लिया। अमेरिका में अब जो इंटरेस्ट रेट हैं वो 4.5% से 4.5% के बीच में आ चुकी है। फेड ने कहा है कि अभी भी जो उनका महंगाई दर का टारगेट था 2%, वो अभी भी थोड़ा दूर है, लेकिन अब महंगाई दर इन बैलेंस आ चुकी है, संतुलित है, ये अच्छी बात है। साथ ही अमेरिका में थोड़ी सी जो लेबर मार्केट है वो ईज आउट हो रहा है, यानी कि बेरोजगारी थोड़ी सी बढ़ रही है, तो वो थोड़ा सा देखना होगा फेड को, लेकिन भविष्य में उनका कहना है कि जो रेट कट होंगी उनकी जो रफ्तार होगी वो थोड़ी धीमी पड़ सकती है। लेकिन कल हमने देखा कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी घटती हुई दिखाई दी, डॉलर भी गिरता हुआ दिखाई दिया। आशीष सर, जो फैक्टर्स परसों के मार्केट में थे वो कल के मार्केट में नहीं थे लेकिन वो आज के मार्केट में फिर हैं, तो डॉलर का गिरना, कल डॉलर बढ़ गया था, परसों डॉलर बढ़ गया था तो उसके बाद गिर गया इंडियन मार्केट, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई थी तो कल इंडियन मार्केट गिर गया था, सर अब कल उल्टा हो गया, तो बढ़ जाना चाहिए था, बढ़ क्यों नहीं रहा? देखिए, बढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि सबसे पहले तो ये कि जो यूएस में रियल इंटरेस्ट रेट है फेड रेट कट होने के बाद में भी कम नहीं हो रहे, तो अभी भी कोई हाउसिंग लोन का रेट कम नहीं हो रहा है, कोई ऑटो लोन के रेट कम नहीं हो रहा है, तो अभी कोई बहुत ज़्यादा रेट्स में फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी बात जो हमने देखा, थोड़ा यूफोरिया था कि ऐसा नहीं है भारतीय बाजारों में था, दुनिया भर के बाजारों में हुआ ऐसा कि ट्रंप की जीत के बाद में एक दिन बाजारों ने उसको रिजॉइस किया, उसको सेलिब्रेट किया और आज से फिर दोबारा से कल से फिर रियलिटी की तरफ आ गए कि हमारी जो कंपनीज की ग्रोथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा बात के लिए ये लगाई जा रही थी कि ट्रंप के आने से किस सेक्टर को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो भी सब अभी बैक बर्नर पे चला गया, तो मुझे लगता है कि अभी बैक टू बेसिक्स की तरफ बाज़ार वापस आ गया और अभी हमें और थोड़ा इसमें समय निकालना पड़ेगा क्योंकि अब मार्केट में रिवाइवल तब होगा जब दिसंबर क्वार्टर में जो आपकी फ्रंटलाइन कंपनियां हैं वो कुछ अच्छे नतीजे पेश करें, तो और मुझे लगता है कि अभी जो सिनेरियो बना हुआ है बाज़ारों में और जो कंपनियों की परिस्थितियां हैं, कोई बहुत जल्दी में ये रिवाइवल हो जाएगा, सडनली हमारी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेंगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है।
मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा प्रेशर अभी बना हुआ है ये जारी रहेगा। उसके अलावा वोलेटिलिटी जो बाज़ारों में है वो बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि DIIs जाके थोड़ा बहुत बाइंग करते हैं। अब आप जैसे आपने ही बात किया कि 4,000 करोड़ का सेलिंग है, बट अब 1,700 करोड़ की बाइंग रह गई। पहले वो मैचिंग रहता था, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि यदि खरीदना है तो अपने भाव पे लेंगे, हम क्यों ऊपर के लेवल पे किसी स्टॉक को खरीदें। तो ये मेरा मानना है कि वोलेटिलिटी अभी आगे वाले समय में भी बनी रहेगी, और फेड के इस रेट कट का भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बाज़ारों में देखने को नहीं मिल रहा और ना मिलेगा आगे भी। बिल्कुल, तो कुछ भी हो जाए इंडियन मार्केट तो तभी ठीक होगा जब वैल्यूएशन ठीक होंगी, और यही बात सारी एनालिस्ट कम्युनिटी काफ़ी महीनों से कर भी रहे थे। हम लोग बार बार बात करते थे कि वैल्यूएशन ओवर कंसर्न है, बहुत सारी पॉकेट्स हैं जहां पर वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेस्ड हैं। अल्टीमेटली मार्केट में जीतती वैल्यूएशन ही है और मोमेंटम हार जाता है। मोमेंटम शॉर्ट टर्म होता है लेकिन वैल्यूएशन परमानेंट होती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट में। सर, एक और चीज़ जो कि मार्केट में आज थोड़ा हाईलाइट हो रही है वो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को माइनिंग रॉयल्टी जो कैलकुलेशन होती है उस पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है, जिसकी वजह से आज मेटल माइनिंग शेयर्स पे थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। सेल आफ्टर रिजल्ट्स भी थोड़ा प्रेशर में आ गया। मॉयल, GMDC, कोल इंडिया, आशापुरा माइन कैम, ये सभी थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए अर्ली ट्रेड्स में। 2 महीने में सरकार को ये स्पष्टीकरण देना होगा कि उनको पुरानी कैलकुलेशन पर चलना है या कुछ नए उसमें बदलाव करने होंगे। इसी के चलते मेटल माइनिंग कंपनीज में थोड़ी घबराहट है। सर, कैसे देखे मेटल माइनिंग कंपनीज को? देखिए, ये तो एक मेरा मानना है थोड़ा सा टेम्प्रेरी सेटबैक है मेटल माइनिंग कंपनीज के लिए। बट जो बड़ी बात है कि वो चाइना से, जो उनका डायरेक्ट कोरिलेशन है कि चाइना में क्या स्टिमुलस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये स्टॉक बिहेव करते हैं। और हमने देखा है काफ़ी समय से स्टॉक के प्रेशर में ही बने हुए हैं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डिमांड है नहीं। चाइना ने इतने सारे स्टिमुलस भी अपने लोकल मार्केट्स को दिए, अपने रियल एस्टेट को पंप करने के लिए कई पॉलिसीज़ बनाई हैं, और पैसे की जो सप्लाई है वो बढ़ाई है। बट फिर भी निवेशकों का कोई बहुत ज़्यादा रुझान बन नहीं रहा उस सेक्टर में। तो मुझे लगता है जो मेटल में फेरस और नॉन फेरस दो सेक्टर की बात करना ज़रूरी है। तो जो फेरस सेक्टर है, जो स्टील है, वहाँ पर तो प्रेशर बिल्कुल बना रहेगा। बट जहाँ पर नॉन फेरस सेक्टर है, जैसे कॉपर, निकल, जिंक, गोल्ड, सिल्वर जिसमें ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर वोलेटाइल और एक स्टेबिलिटी फिर भी बनी रह सकती है, क्योंकि वहाँ के जो एंड यूजेज हैं, जैसे कॉपर और सिल्वर का यूज़ ज़्यादा बढ़ रहा है EV सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वहाँ डिमांड फिर भी बनी रहेगी। बट जो स्टील कंपनियाँ हैं वहाँ पर प्रेशर आगे भी जारी रहेगा। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है। अभी हमें आगे जाकर जो ग्लोबल सिनेरियो है उस पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है।